सो दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, लेकिन आपका एप्लीकेशन जो है दोस्तों डाउनलोड तो हो जाता है लेकिन आपको मोबाइल के होम स्क्रीन पर नहीं आता था आपके मोबाइल पर। तो गाइस हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले दोस्तों। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं यहाँ से आपको पहले प्ले स्टोर से आपको मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वास्तव में आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ इमेज सर्च और मैं इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर कहीं भी मेरा जो एप्लीकेशन है ये वाला नहीं है मेरे पास। तो यहाँ से मैं इसको फिलहाल इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने देता हूँ। देखिए मेरा ये एप्लीकेशन है बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है, यहाँ पर मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर मेरा ओपन का आ चुका है ऑप्शन, लेकिन मैं यहाँ से इसको आपको यहाँ से बैक आता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरा जो एप्लीकेशन है मेरा यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा है ये एप्लीकेशन, तो ना ही यहाँ पर आ रहा है मेरा होम स्क्रीन पर। तो गाइस आपको उस वाला एप्लीकेशन को आपको होम पेज पर कैसे लाना है, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोबारा सा प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने पर बाद दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को सबसे पहले तो उसको अनइंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो मेन टॉपिक है आपको क्या करना है, आपको आना है मोबाइल की सेटिंग पर। मोबाइल की सेटिंग पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐड ऐप, आपको यहाँ पर लिखना है ऐड ऐप। यहाँ पर दोस्तों जैसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऐड ऐप टू होम स्क्रीन नाम का एक सेटिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपको नीचे फिर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ऐप टू होम स्क्रीन, आपको इसको इनेबल करना है। उसके बाद दोस्तों आप जाइए प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। फिर मैं यहाँ से दोबारा इसको इंस्टॉल करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद मेरा जो एप्लीकेशन है मेरा होम स्क्रीन पर ये आ जाएगा।